और एनआरसी के विरुद्ध मुस्लिम समाज हुआ लामबंद, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण व नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में शुक्रवार को मनासा में मुस्लिम समाजजनों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम एस सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुस्लिम समाजजन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जो एनआरसी एवं कैब के रूप में धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जो काला कानून बनाया गया है, उससे देश के करोड़ों अल्पसंख्यकों को परेशान करने का उद्देश्य है, जबकि हिंदुस्तान पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका संविधान में उल्लेख भी है। देश में आज तक कभी भी कोई भी नीति नियम या अध्यादेश धर्म के आधार पर लागू नहीं किए गए हैं। ये काला कानून मुसलमानों को परेशान करने की नीयत से लाया गया है। दोनों कानून असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। वर्तमान केंद्र सरकार बहुमत का दुरुपयोग कर नए नए काले व देश के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कानून लाकर देश में बढ़ रही बेरोजगारी, गंभीर अपराधों व आसमान छूती महंगाई से ध्यान हटाना चाहती है, ताकि देश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो, जिसका मनासा मुस्लिम समाजजन पूरी तरह से विरोध करता है। दोनों काले कानून को समाप्त करने को लेकर मनासा मुस्लिम समाज की विभिन्न कमेटियों एवं संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर रैली की अगुवाई अंजुमन कमेटी मनासा के सदर अनवर मंसूरी, नायब सदर शाहिद अंसारी, सचिव मोहम्मद मंसूरी, हाफिज शाके जामा मस्जिद इमाम, हाफिज मोहम्मद सफ़ी इमाम, दवाल शाह पीर मस्जिद, हाफिज अखलाक रज़ा इमाम नूरानी मस्जिद सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित थे। मुस्लिम समाजजन नूरी कॉलोनी स्थित मस्जिद से हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां व नारे लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपने निकले। जैसे ही रैली तय समय दोपहर 3 बजे एसडीएम कार्यालय के लिए निकली, रैली की सूचना मिलते ही एसडीएम एस सोलंकी पुलिस बल के साथ प्रोटोकॉल तोड़कर रास्ते में स्वयं ज्ञापन लेने पहुंच गए। एसडीएम ने समाजजनों से नगर के कचोली रोड रानी लक्ष्मीबाई चौराहे पर ज्ञापन लिया। इस दौरान समाजजनों ने काले कानून को समाप्त करने के बारे में चर्चा की। रिपोर्ट रमेश राठौर, मनासा। आज दिनांक 20 को मनासा के अंदर बाद नमाज जुमा पे काफ़ी संख्या में मुस्लिम जन आक्रोशित होकर जमा हुए और एसडीएम के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर। उसका मुख्य उद्देश्य एक्चुअली ये था कि जो एनआरसी लागू करने की तरफ जा रही है बीजेपी सरकार, और जो अभी CAA सिटीजन अमिटमेंट एक्ट लाया गया है, इसको लेकर मुस्लिम समाज बड़ा डरा सहमा है और आक्रोशित है कि इसमें धर्म के आधार पर जिस तरह से इस एक्ट को बनाया गया है, ये काला कानून है, पूरी तरह से इसकी निंदा की गई है और पूरी तरह से मुस्लिम समाज इस कानून के विरुद्ध हैं। देखा जा रहा है पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चल रहे हैं, जगह जगह पर इसके खिलाफ उग्र आंदोलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन मनासा के अंदर अमन शांति से आंदोलन किया गया और नारों के साथ में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम सोलंकी जी ने क्या भावनाओं को समझते हुए अपना मुख्यालय छोड़कर आरएलवी चौराहे पर वो आए और आरएलवी चौराहे पर ही मुस्लिम समाज के सदर से अनवर हुसैन साहब से ज्ञापन लिया और उस ज्ञापन का वाचन भी अनवर जी ने किया। इस ज्ञापन में मूलतः ये बताया गया कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता बीजेपी सरकार के द्वारा, तो आगे और भी बड़ा आंदोलन करने की तरफ मुस्लिम समाज को जाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात इसमें जो ज्ञापन में कही गई वो ये कही गई कि जो कानून लाया गया है ये पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी हैं, संविधान के खिलाफ हैं। आर्टिकल 15 में जिस तरह से कहा गया है कि देश में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग भेद का नहीं रहेगा, समानता का अधिकार होगा, लेकिन इस कानून में ये चीज़ पूरी तरह से अलग थलग रखी गई हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है और इसमें जो हमने ज्ञापन सौंपा है उसके अंदर यही चीज़ हमने मुख्य रूप से कही है कि इस तरह से भेदभावपूर्ण आज तक कोई कानून नहीं बना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म निरपेक्ष दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के अंदर इस तरह का फैसला लिया गया, जो बहुमत के द्वारा जो बीजेपी सरकार ने अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए इस तरह का एक्ट पारित किया, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और इस कानून को मानने से मना करते हैं। आपका शुभ नाम? शाहिद अंसारी, नायब सदर अंजुमन कमेटी मनासा।